हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हाल ही में उनकी फिल्म भारत के जूनियर आर्टिस्ट ने फिल्म की शूटिंग बीच में ही छोड़ दी थी। वहीं अब लीजिए, सलमान खान की भारत फिर से बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल सलमान को पंजाब के गाँव में पाकिस्तान का झंडा फहराना काफी महंगा पड़ गया। ये तो आप जानती हैं कि हाल ही में फिल्म को वाघा बॉर्डर पर शूटिंग करने की परमिशन नहीं मिली थी, जिसके बाद वाघा बॉर्डर का सेट पंजाब के गांव में खड़ा किया गया। वहीं इस दौरान एक सीन के लिए फिल्म की टीम को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के झंडे चाहिए थे। ऐसे में फिल्म की टीम ने बिना सोचे समझे पाकिस्तान का झंडा गाड़ दिया, जिसके बाद गाँव वालों ने जमकर फिल्म भारत का विरोध किया। गाँव वाले इस बात से काफी नाराज थे कि भारत की धरती पर पाकिस्तान का झंडा कैसे फहरा दिया गया। इसके बाद गांव वालों ने भारत की पूरी टीम और सलमान खान के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। इतना ही नहीं, जिस होटल में सलमान और फिल्म की टीम रुकी थी, वहां भी लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये सब केवल फिल्म की शूटिंग के लिए था, क्योंकि ये सीन वाघा बॉर्डर का था, इसीलिए वो पाकिस्तान के झंडे के बिना शूट नहीं हो सकता था। बता दें कि भारत में सलमान के साथ कटरीना कैफ, तब्बू और दिशा पाटनी भी इम्पोर्टेंट रोल में है। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में भी भारत की शूटिंग पर और मुश्किलें आती हैं या नहीं। वैसे आप सलमान की भारत को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।